नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपीटीवी मीडिया न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीपक चौधरी। चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। कुशीनगर के मुख्य मार्गों पर दुकानों के सामने खड़े वाहनों और हाट ठेला दुकान वालों से यातायात में आ रही लगातार परेशानी को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यापारियों को समझाइश दी गई। इस अभियान में तहसीलदार, थाना प्रभारी और सीएमओ अपने अपने अमलों के साथ व्यापारियों को समझाते रहे। यातायात व्यवस्था में समझाइश के बाद भी परिवर्तन नहीं होने पर स्थानीय प्रशासन सड़क किनारे खड़े वाहनों और हाट ठेला व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का मन बना चुका है। और दूसरा एक बड़ी समस्या है यहाँ पे, जो ठेले हैं, हाट ठेले हैं, वो जगह जगह खड़े हो जाते हैं और जगह जगह मूवमेंट उनका कंटिन्यू चलता रहता है। तो उनके खिलाफ हम ये कार्रवाई के लिए एक अभियान चालू किया है आज से, और उसमें संयुक्त रूप से ये अभियान है। नगर पालिका और पुलिस और प्रशासन, रेवेन्यू के सारे अधिकारी मिल के आज हमने पुराने थाने से लेकर गायत्री मंदिर और फिर अपना अलीराजपुर रोड पर संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। और जो दुकानदार हैं उनको भी आज समझाइश दी कि अपने जो ग्राहक आते हैं उनकी व्यवस्थित वाहन खड़े करवाएं, उसके बाद ही उससे लेन देन करें। और जो फुटपाथ पे दुकानें लग रही, चाहे वो फल फ्रूट्स की हो, सब्जियों की हो या कपड़े की, तो उनकी दुकानें बिल्कुल फुटपाथ के पीछे, फुटपाथ खाली करें, ताकि जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, आवागमन बाधित ना हो। और आज ये केवल समझाइश थी और आज के बाद लगातार फिर उसमें कार्रवाइयाँ भी होगी।